हेलो दोस्तों, आज अपन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखो, स्टैटिक चार्ज इस प्रकार अपन फ्रिक्शन मीटर के द्वारा चार्ज को अपन शो कर सकते हैं। अब इस अपन ये अपने जो घरों में कपड़ा रहता है, ये वुलन कपड़ा रहता है और ये बलून है, अपन को नॉर्मली तो ये ऐसे शो होते हैं, बट एक्चुअल में अपन इनके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है उतना ही इनमें नेगेटिव चार्ज रहता है। मैं क्या करूँगा कि इस बलून को जब मैं इस पर फ्रिक्शन मीटर के द्वारा रब करता हूँ, इस बलून को मैं ले जाता हूँ और इस पर फ्रिक्शन मीटर के द्वारा रब करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इस जो उलन जो कपड़ा था उसके जो इलेक्ट्रॉन है इस बलून के अंदर क्या हो गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं। देखो, मैं जहाँ जहाँ पर इसको ले जा रहा हूँ फ्रिक्शन मीटर के द्वारा कर रहा हूँ, उसके द्वारा क्या हो रहा है कि उलन जो था उस पर सारे इलेक्ट्रॉन किस पर आ गए हैं, किसके अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं, इस बलून के अंदर। ये बलून क्या हुआ है, ये बलून जो है ये बलून नेगेटिवली चार्ज हो गया है और ये जो उलन है ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। अब जब मैं इसको इसी रोड के पास लेकर जाता हूँ तो ये रोड देखो रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है। यदि मैं इसको थोड़ा सा भी इधर शिफ्ट करता हूँ तो इसको छोड़ देता हूँ तो ये अभी से अट्रैक्ट होता जाता है। इसी प्रकार अपन दो बलून भी ले सकते हैं, ये दूसरा बलून लाया। अब मैं इस बलून को जब इस पर वहाँ इसके ऊपर रफ करता हूँ तो ये भी इस प्रकार से, ये देखो फ्रिक्शन मीटर के द्वारा इसके द्वारा शो होता है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब मैं इसको, अब अपन जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपन फिक्स मेथड के द्वारा अपन ला सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक दूसरा मेथड ये बताऊंगा कि चार्ज एंड फील्ड, चार्ज एंड फील्ड। देखिए कि जिस अपन जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिकल लाइन निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। अपन क्या कर रहे हैं कि ये प्लस वन नैनो कूलम का एक चार्ज है, यदि मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इससे क्या हो रही है, स्पीड हो रही है, इससे बाहर क्यों जा रही है, शो हो रही होगी आपको। मैं जहाँ जहाँ तक ले जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, इससे बाहर की तरफ जा रही है, इस चार्ज से बाहर की तरफ जा रही है। जब मैं इस पर नेगेटिव चार्ज को इस पर लेके जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पर क्या करेगी, आ जाएगी। ये देखो, अब यहाँ से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और नेगेटिव पर क्या करता है, ट्रांसफर हो रही है। देखो, आप जिस प्रकार दिख रहा होगा आपको, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और नेगेटिव की तरफ आ रही है। अब जैसे जैसे मैं, अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव एक प्रकार से डायपोल की तरफ बिहेव करने लग गया, डायपोल बहुत मिनिमम डिस्टेंस पर होता है, ये इस प्रकार से होता है। जिसे मैं तो दूर लेके जाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, ये देखो ये फील्ड बढ़ा रही है, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, और ये इस प्रकार, ये मैं इसको ग्रिड से बता सकता हूँ। अब मैं पर वोल्टेज देखना चाहता हूँ। अब ये तो पॉजिटिव वाले को अपन मानते हैं, इसे रख देते हैं इधर अंदर। अब मैं देखना चाहता हूँ कि अपन जानते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, वी बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वी बराबर के क्यू अपॉन आर, वी बराबर के क्यू अपॉन आर। अब यहाँ से अपन जानते हैं कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज से जैसे डिस्टेंस बढ़ती है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। अपने पास ये वोल्ट मीटर का जुगाड़ भी है, जैसे जैसे मैं इसके जस्ट पास में लेके जाऊंगा 10.63 वोल्ट इसकी क्या है पोटेंशियल, जैसे मैं इसको दूर लेके जाऊंगा पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, मतलब डिक्रीज होती जाएगी। और ऐसे देखो आप देख रहे हो डिक्रीज होती जाएगी, जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है पोटेंशियल कम हो रहा है, आपको शो हो रहा होगा, और पोटेंशियल इन्फाइनाइट पे जाकर जीरो होगा, बट इन्फाइनाइट पर इस पर शो नहीं कर सकते। अब मैं एक बार डायपोल ले आता हूँ, ये देखो डायपोल, ये मैंने यहाँ डायपोल बना दिया, क्या बना दिया, डायपोल बना दिया। अब देखना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी और यहाँ पर भी इस प्रकार ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है, आपको दिख रहा है, रुके रहो मैं ये मैं अच्छा ड्राइव करवाता हूँ, और ये अपन जानते हैं कि जो डायपोल के एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, बट जो पोटेंशियल रहता है वहाँ पर, जो एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों रहता है, बट जो इक्वेटर रहता है डायपोल का वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है। तो ये देखो, मैं इसका, मेरे को सेंटर अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, कल मैं जैसे इसको सेंटर के इक्वेटर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ कम होती जा रही है। तो इसका इक्वेटर, यदि इक्वेटर ये प्रॉपरली बन नहीं रहा है, तो बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो इसका जो इक्वेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो चौथी लाइन होनी चाहिए, 1 2 3 4, ये चार इसके बीच में अपन 0 जरूर बनाएंगे, देखना। ये देखो अपन ने इक्वेटर पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर दी, 0 प्रूव करके बता दी मैंने आपको कि इक्वेटर पर एक्चुअल में पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। ये क्या है, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, एक्सियल लाइन है और ये दैट इज कॉल्ड, ये क्या है, इक्वेटर लाइन, ये इसका यहाँ पर क्या है, ये तो पूरी एक्सियल लाइन है,
यहाँ पर ट्वाइस है इसका अपन डिस्टेंस मान लेते हैं, और ये इसका सेंटर है, और सेंटर से इक्वेटर पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहती है, बट पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है इक्वेटर पर, जीरो रहती है, क्योंकि वोल्टेज बता रहा है, क्योंकि वोल्ट मीटर की तरह बिहेव कर रहा है, और इक्वेटर पर तो रहती है के पी अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेटर पर तो जीरो रहती है, और एक्सेल में कितनी रहती है, के पी अपॉन आर स्क्वायर। थैंक यू। और अपन चाहे तो अपन इसको एक्चुअल में भी देख सकते हैं, इसको मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, माना कि अब मेरे को माना कि डिस्टेंस निकालनी है, सर मैं कैसा निकालूँ, अरे क्यों तक दिक्कत कर रहा है कि यहाँ पर है, ये भी ले भाई, ये ले भाई, इसका सेंटर ये रहा, ये यहाँ पर, ये भाई ये ले, कितने डिस्टेंस है, ये अपना सब है डिजिटल, डिजिटल के मामले में सब है, तो 339.56 सेंटीमीटर, ये क्या होगी इसकी स्मॉल आर की वैल्यू होगी, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, जो क्या इससे अपन डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, ये देखो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस भी कितनी है, 339.25, मतलब आर बराबर कितना हो गया, ट्वाइस है, तो पी बराबर तो क्यू इंटू ट्वाइस से निकल जाएगा, और यहाँ से के पी अपॉन आर स्क्वायर से अपन आराम से एक्सएल पर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल की वैल्यू के पी अपॉन आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, के पी अपॉन आर क्यू। थैंक यू दोस्तों, आपको ऐसे प्रैक्टिकली वीडियो हो रही, डिजिटली प्रैक्टिकल और अपन थ्योरेटिकल प्रैक्टिकली, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको देखना, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब चाहिए कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर आ दोस्तों, थैंक यू।